हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि 12th चैप्टर कंप्लीट किए। टुडे हम आज से न्यू सेमेस्टर एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट अवर 13th चैप्टर एंड सेमेस्टर 2's फर्स्ट चैप्टर। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 101। यहाँ पे एक रिवर की जर्नी दी हुई है, चैप्टर 13 अ रिवर्स जर्नी। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जिससे आपको एक रिवर की स्टोरी लिखनी है स्टार्टिंग से एंड तक। आप कुछ भी आप क्या थिंक करते हो उस हिसाब से भी लिख सकते हो। वर्कबुक में आपको लिखनी है और मैंने भेजा है वो भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इसकी जर्नी बताऊंगी बट आप खुद की तरह से भी लिख सकते हो और आप ऐसा पिक्चर भी ड्रॉ करके चार्ट पेपर में आपको ड्राइंग करनी है। ओके, यहाँ पे दिए हुए वर्ड्स हैं जैसे कि बोट, फ्लोइंग वाटर, ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं और इसकी स्टोरी बनानी, सॉरी जर्नी बतानी है। तो मैं यहाँ पे आपको ये सारे वर्ड्स यूज करने के बाद आपको इसकी जर्नी बताती हूँ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ लॉन्ग अगो। ये सब पहले की, बहुत पहले की बात है, स्टोरी है। देर वॉज अ लवली रिवर दैट स्टार्टेड आउट फ्रॉम द माउंटेन। यानी कि जो ये लवली रिवर है जो माउंटेन से स्टार्ट होती है। द फ्लोइंग वॉटर ऑफ दैट रिवर वॉज एक्सट्रीमली प्योर। ये वाली जो रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है तो उसका पानी बहुत ही प्योर एंड बहुत ही क्लीन है। देर वेर मैनी ट्रीज एट द फूट ऑफ द माउंटेन। यानी कि और इसके आसपास कितने सारे मैनी ट्रीज है। माउंटेन से जब रिवर निकलती है तो उसके आसपास कितने सारे ट्रीज है। क्लाउड्स यूज टू ब्रिंग रेन इन टाइम एंड इन प्रॉपर अमाउंट ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। जो क्लाउड्स होते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो रेन को लाते हैं और इसे फिलअप करते हैं पानी से। Villagers could easily get sufficient water to drink as well as for all their other uses. और जो villagers होते हैं उसे sufficient जितना पानी की नीड होती है उतना पानी उसे मिल जाता है और उसके यूज के लिए, पानी पीने के लिए और दूसरे अदर यूजेस के लिए, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, इन सब के लिए भी उसे इजिली मिल जाता है पानी रिवर के थ्रू और फार्मिंग के लिए भी मिल जाता है। बोट्स वेर यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और इसके अंदर जो भी बोट्स है वो हमें कम्युनिकेशन यानी कि यहाँ से वहां तक जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं बोट को। और वो बोट किसके किस में चलती है, रिवर के अंदर। द एनवायरमेंट वॉज क्लीन। यानी कि जब यहाँ से स्टार्टिंग होती है रिवर की, जर्नी स्टार्ट होती है तब एनवायरमेंट बहुत ही क्लीन होता है। उसके बाद देर वेर मेनी फीस सम एक्वेटिक प्लांट्स एंड बसेस इन द रिवर। और यहाँ पे इतनी सारी फीसिस दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में और उसके साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स है यानी कि जो रिवर के अंदर होते हैं वो सारे इसके अंदर प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ बसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है रिवर के अंदर। देन आफ्टर सम ईयर्स फैक्ट्रीज वेयर बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और आफ्टर समटाइम्स क्या होता है कि रिवर के बैंक यानी कि रिवर के किनारे पे फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट होती है। तो उसके बाद क्या होता है, पीपल स्टार्टेड लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज बिल्ट देयर। और यहाँ पे पीपल भी रहना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज बनती है तो फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो पीपल्स होते हैं वो भी यहाँ पे रहने लगते हैं। देन विथ द पैसेज ऑफ टाइम अ ह्यूज सिटी कम अप एट दिस प्लेस। और धीरे धीरे यहाँ पे ह्यूज सिटीज बन जाती है जो यहाँ पे दिए हुए पिक्चर में, ऐसे धीरे धीरे टाइम के जाने के बाद, थोड़े टाइम के बाद ह्यूज सिटीज बन जाती है क्योंकि यहाँ के पे सारे लोग रहने लगते हैं और सारे यहाँ पे ही काम करते हैं। लार्ज शिप्स स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग टू एंड फ्रॉम द प्लेस टू ब्रिंग रॉ मटेरियल्स एंड टेक अवे फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो क्या लेकर आते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं जो फैक्ट्री के प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं।
oil and other chemicals waste from the ship started being discarded in the river quite often. और जो भी वो रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसमें से जो ऑयल और उसके साथ साथ जो भी वेस्टेज निकलता है वो सारे केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे रिवर के अंदर जैसे यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो पानी को गंदा करना रिवर को क्वाइट ऑफ्टन यानी कि डिस्कार्डेड करने लगते हैं. मेनी पीपल स्टार्टेड वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन द रिवर वॉटर एंड स्टार्टेड बाथिंग देयर लाइव स्टॉक इन इट. और जो भी पीपल्स होते हैं वो भी धीरे धीरे अपने बर्तन कपड़े और उसके जो कैटल्स होते हैं उसे वॉश करवाना बाथिंग के लिए और धीरे धीरे इनके अंदर स्टार्टिंग कर देते हैं ये सब यूज के लिए और वो रिवर को धीरे धीरे गंदा करना स्टार्ट करते हैं और वो अपने लाइफ स्टॉक के लिए यहाँ से रिवर को गंदा करना स्टार्ट करते हैं. देन डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेज स्टार्टिंग बींग थ्रू द इन टू द रिवर और वो जो भी डर्टी वाटर होता है घर का वो भी यहाँ पे आना रिवर में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो फिर से जो गंदा वाटर होते हैं वो भी रिवर में फेंक देते हैं. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री स्टार्टेड रीचिंग द रिवर थ्रू गटर्स और उसकी जो गटर्स होती है फैक्ट्री की जो गटर्स होती है जिसमें से लिक्विड का वेस्टेज निकलता है वो भी यहाँ पे गटर रिवर के अंदर मिक्स करना चालू कर देते हैं यानी कि वहाँ पे मिक्स कर देते हैं. ड्यू टू ऑल दिस अनक्लीन वाटर द लुक ऑफ द रिवर चेंज और ऐसे ही धीरे धीरे सारे चेंजेस होने के बाद रिवर बहुत ही चेंज लगती है. रिवर का जो पानी था वो गंदा लगने लगता है क्योंकि जैसे ही यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी रिवर की तो वो बहुत ही लवली एंड क्लीन और प्योर वाटर था और उसके बाद उसका पानी धीरे धीरे सारे वेस्टेज मिलने के बाद बहुत ही चेंज हो जाती है. देयर वेर पाइल्स ऑफ डर्ट एंड फॉल स्मेल एट वेरियस प्लेसेस इन द रिवर और धीरे धीरे रिवर गंदी स्मेल करना स्टार्ट कर देती है. द फिश एंड एक्वेटिक वेजिटेशन ऑल्सो सफर्ड अ लॉट और इसके अंदर जो रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और फिशेज होती है वो भी वहां पे रहना सफर करना स्टार्ट करते हैं और कितने सारे उसे सफर करने पड़ते हैं और मर भी जाते हैं. द लवली क्लीन एंड प्योर रिवर ऑफ ओल्ड हैज नाउ बिकम अ डर्टी और धीरे धीरे ये रिवर क्या हो जाती है इतनी जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी जब माउंटेन से निकली थी तो जो लवली क्लीन एंड प्योर वाटर वाली जो रिवर थी वो धीरे धीरे कैसी हो जाती है डर्टी फॉल स्मेलिंग एंड पॉल्यूटेड रिवर और धीरे धीरे वो कैसी हो जाती क्लीन रिवर जो लवली क्लीन एंड प्योर रिवर ऑफ ओल्ड हैज नाउ बिकम अ डर्टी फॉल स्मेलिंग एंड पॉल्यूटेड रिवर ऐसी पॉल्यूटेड रिवर हो जाती है. जहां से ये जब निकली थी तो उसका कलर कैसा था कलरलेस थी और धीरे धीरे इसके अंदर जो भी वेस्टेज मिलने लगे पीपल ने मिक्स किए फैक्ट्रीज में से सिप में से जो ऑयल लिक्विड निकलना स्टार्ट हुआ यहाँ से सिटीज में से गटर मिलना स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे इसका कलर रिवर का कलर कैसा हो गया चेंज हो गया और वो स्मेल गंदी स्मेल करनी स्टार्ट होगी. जो पहले लवली थी बहुत अच्छी दिखती थी रिवर वो धीरे धीरे गंदी हो गई. तो ये एक रिवर की जर्नी है. यहाँ पे मैंने जो भी आपको जर्नी बताई वो भी आप अपने वर्कबुक में लिख सकते हो और आप खुद की तरह से भी लिख सकते हो. ओके हाउ डज वॉटर बिकम डर्टी पानी कैसे खराब होता है डर्टी होता है. यू शो इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लो नियर मैनी विलेजेस टाउन्स एंड सिटी आपने देखे होंगे कि जो रिवर्स होती है वो निकलती है जो विलेजेस टाउन्स एंड सिटी में से. तो पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस और जो पीपल्स होते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए उसका पानी यूज करते हैं लाइक वॉशिंग क्लोथ्स बाथिंग एनिमल्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए एनिमल्स को नहलाने के लिए वॉश क्लोथ को वॉश करने के लिए. दस द रिवर इज नॉट द सेम लाइक वैन इट वॉज इन द बिगिनिंग और वो धीरे धीरे रिवर जब निकली थी यानी थी बिगिनिंग उसकी जो थी वैसी नहीं दिखती है सेम वैसी नहीं दिखती है. मेनी ऑफ दिस एक्टिविटीज मेड द वॉटर डर्टी ऐसी सारी एक्टिविटीज से उसका पानी डर्टी बन
बन जाता है. द वॉटर इन द रिवर केप्ट चेंजेस एज इट फ्लो थ्रू वेरियस प्लेसेस, और उसका पानी धीरे धीरे चेंजेस हो जाता है और फ्लो करने लगता है वेरियस प्लेसेस पे. वॉटर इन पॉन्ड एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन्स, और ऐसे सिमिलर रीजन से जो पानी भरा होता है पॉन्ड और लेक्स में वो भी गंदा हो जाता है. तो इसलिए हमें ऐसे कोई भी रीजन यानी ऐसे ही कोई भी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जिससे पानी खराब हो, और हमें पानी को स्टोर करके और जितनी उसकी जरूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए, और उसके अंदर रिवर को खराब नहीं करना चाहिए कोई भी ऐसे रीजन्स के थ्रू. उसके अंदर कोई भी डर्ट नहीं मिक्स करनी चाहिए, और हमें वो हमारे के लिए ही हार्मफुल होता है. जो हम डर्ट उसमें मिक्स करते हैं तो वो ही पानी हम फिर से पीते हैं, तो वो हमारे लिए ही हानिकारक होता है. इसलिए हमें पानी को क्लीन करके रखना चाहिए. और यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक ग्लास लेने हैं, और उसके अंदर आपको ग्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो यहाँ पे दिया हुआ लेमन जूस सोप वाटर शरबत ये सारे मिक्स करने और देखना है. जो यहाँ पे पीछे एक पेज नंबर 106 पे टेबल दिया है जिसमें जो थिंग्स दी हुई है वो आपको लेनी है, और एक पानी का ग्लास लेना है और इसके अंदर देखना है उसके अंदर मिक्स करना है. और अगर वो मिक्स हो जाए तो यहाँ पे टिक करना है, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं तो ये राइट करना है, और मिक्स नहीं होते हैं तो जैसे कि यहाँ पे फ्लोर होता है तो फ्लोर मिक्स नहीं होता है तो यहाँ पे टिक करना है. जो भी मिक्स हो जाते हैं डिसोल्व हो जाते हैं तो यहाँ पे टिक करना है, और डिसोल्व नहीं होते तो यहाँ पे. और उसका कलर चेंज होता है मिक्स होने के बाद नहीं होता है तो यहाँ पे टिक करना है, और हो जाता है तो यहाँ पे टिक करना है. ये आपको फिलअप करना है. ओके, हियर आवर टेक्स्ट बुक चैप्टर 13 कम्प्लीट. नेन इस क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, हियर आवर टूडेज पोर्शन कम्प्लीट. देन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर 13 चैप्टर इन वर्क बुक. थैंक यू. और इसके अंदर जो भी बोर्ड्स है वो हमें कम्युनिकेशन यानी कि यहाँ से वहां तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए और कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं बोट को. और वो बोट किसके किस में चलती है, रिवर के अंदर. द एनवायरमेंट वॉज क्लीन यानी कि जब यहाँ से स्टार्टिंग होती है रिवर की जर्नी स्टार्ट होती है तब एनवायरमेंट बहुत ही क्लीन होता है. उसके बाद देयर वेर मेनी फिश सम एक्वेटिक प्लांट्स एंड बसेस इन द रिवर. और यहाँ पे इतनी सारी फिशेस दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में, और उसके साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स है यानी कि जो रिवर के अंदर होते हैं वो सारे इसके अंदर प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ बसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है रिवर के अंदर. देन आफ्टर सम ईयर्स फैक्ट्रीज वेयर बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. और आफ्टर समटाइम्स क्या होता है कि रिवर के बैंक यानी कि रिवर के किनारे पे फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट होती है. तो उसके बाद क्या होता है, पीपल स्टार्टेड लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज बिल्ट देयर. और यहाँ पे पीपल भी रहना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज बनती है, तो फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो पीपल्स होते हैं वो भी यहाँ पे रहने लगते हैं. देन विथ द पैसेज ऑफ टाइम अ ह्यूज सिटी कम अप एट दिस प्लेस. और धीरे धीरे यहाँ पे ह्यूज सिटीज बन जाती है जो यहाँ पे दिए हुए पिक्चर में. ऐसे धीरे धीरे टाइम के जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद ह्यूज सिटीज बन जाती है क्योंकि यहाँ के पे सारे लोग रहने लगते हैं और सारे यहाँ पे ही काम करते हैं. लार्ज शिप्स स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग टू एन फ्रॉम द प्लेस टू ब्रिंग रॉ मटेरियल्स एंड टेक अवे फैक्ट्री प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो क्या लेकर आते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं जो फैक्ट्री के प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं. ऑयल एंड अदर केमिकल्स वेस्ट फ्रॉम द शिप स्टार्टेड बींग डिस्कार्डेड इन द रिवर क्वाइट ऑफ्टन. और जो भी वो रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसमें से जो ऑयल और उसके साथ साथ जो भी वेस्टेज निकलता है वो सारे केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे रिवर के अंदर जैसे यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो पानी को गंदा करना रिवर को क्वाइट ऑफ्टन यानी कि डिस्कार्डेड करने लगते हैं. मेनी पीपल स्टार्टेड वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन द रिवर वॉटर एंड स्टार्टेड बाथिंग देयर लाइव स्टॉक इन इट. और जो भी
पीपल्स होते हैं वो भी धीरे धीरे अपने बर्तन कपड़े और जो केटल्स होते हैं उसे वॉश करवाना बाथिंग के लिए, और धीरे धीरे इनके अंदर स्टार्टिंग कर देते हैं ये सब यूज के लिए, और वो रिवर को धीरे धीरे गंदा करना स्टार्ट करते हैं, और वो अपने लाइफ स्टॉक के लिए यहाँ से रिवर को गंदा करना स्टार्ट करते हैं. देन डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेस स्टार्टिंग ब्रिंग थ्रू द इनटू द रिवर, और वो जो भी डर्टी वाटर होता है घर का वो भी यहाँ पे आना रिवर में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो फिर से जो गंदा वाटर होते हैं वो भी रिवर में फेंक देते हैं. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री स्टार्टेड रीचिंग द रिवर थ्रू गटर्स, और उसकी जो गटर्स होती है फैक्ट्री की जो गटर्स होती है जिसमें से लिक्विड का वेस्टेज निकलता है वो भी यहाँ पे गटर रिवर के अंदर मिक्स करना चालू कर देते हैं, यानी कि वहां पे मिक्स कर देते हैं. ड्यू टू ऑल दिस अनक्लीन वॉटर द लुक ऑफ द रिवर चेंज, और ऐसे ही धीरे धीरे सारे चेंजेस होने के बाद रिवर बहुत ही चेंज लगती है. रिवर का जो पानी था वो गंदा लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी रिवर की तो वो बहुत ही लवली एंड क्लीन और प्योर वाटर था, और उसके बाद उसका पानी धीरे धीरे सारे वेस्टेज मिलने के बाद बहुत ही चेंज हो जाती है. देयर वेर पाइल्स ऑफ डर्ट एंड फॉल स्मेल एट वेरियस प्लेसेस इन द रिवर, और धीरे धीरे रिवर गंदी स्मेल करना स्टार्ट कर देती है. द फिश एंड एक्वेटिक वेजिटेशन ऑल्सो सफर्ड अ लॉट, और इसके अंदर जो रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और फिशेज होती है वो भी वहां पे रहना सफर करना स्टार्ट करते हैं, और कितने सारे उसे सफर करने पड़ते हैं और मर भी जाते हैं. द लवली क्लीन एंड प्योर रिवर ऑफ ओल्ड हैज नाउ बिकम अ डर्टी, और धीरे धीरे ये रिवर क्या हो जाती है, जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी जब माउंटेन से निकली थी तो जो लवली क्लीन एंड प्योर वाटर वाली जो रिवर थी वो धीरे धीरे कैसी हो जाती है, डर्टी फॉल स्मेलिंग एंड पॉल्यूटेड रिवर, और धीरे धीरे वो कैसी हो जाती क्लीन रिवर, जो लवली क्लीन एंड प्योर रिवर ऑफ ओल्ड हैज नाउ बिकम अ डर्टी फॉल स्मेलिंग एंड पॉल्यूटेड रिवर, ऐसी पॉल्यूटेड रिवर हो जाती है. जहां से ये जब निकली थी तो उसका कलर कैसा था, कलरलेस थी, और धीरे धीरे इसके अंदर जो भी वेस्टेज मिलने लगे, पीपल ने मिक्स किए, फैक्ट्रीज में से सीप में से जो लिक्विड निकलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से सिटीज में से गटर मिलना स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे इसका कलर रिवर का कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया, और वो स्मेल गंदी स्मेल करनी स्टार्ट होगी. जो पहले लवली थी बहुत अच्छी दिखती थी रिवर, वो धीरे धीरे गंदी हो गई. तो ये एक रिवर की जर्नी है. यहाँ पे मैंने जो भी आपको जर्नी बताई वो भी आप अपने वर्कबुक में लिख सकते हो और आप खुद की तरह से भी लिख सकते हो. ओके, हाउ डज वॉटर बिकम डर्टी, पानी कैसे खराब होता है, डर्टी होता है. यू शो इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लो नियर मैनी विलेजेस टाउन्स एंड सिटी, आपने देखे होंगे कि जो रिवर्स होती है वो निकलती है जो विलेजेस टाउन्स एंड सिटी में से. तो पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस, और जो पीपल्स होते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए उसका पानी यूज करते हैं, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एनिमल्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, एनिमल्स को नहलाने के लिए, वॉश क्लोथिंग क्लोथ को वॉश करने के लिए. दस द रिवर इज नॉट द सेम लाइक वैन इट वॉज इन द बिगिनिंग, और वो धीरे धीरे रिवर जब निकली थी यानी थी बिगिनिंग उसकी जो थी वैसी नहीं दिखती है, सेम वैसी नहीं दिखती है. मेनी ऑफ दिस एक्टिविटीज मेड द वॉटर डर्टी, ऐसी सारी एक्टिविटीज से उसका पानी डर्टी बन जाता है. द वॉटर इन द रिवर केप्ट चेंजेस एज इट फ्लो थ्रू वेरियस प्लेसेस, और उसका पानी धीरे धीरे चेंजेस हो जाता है और फ्लो करने लगता है वेरियस प्लेसेस पे. वॉटर इन पॉन्ड एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन, और ऐसे सिमिलर रीजन से जो पानी भरा होता है पॉन्ड और लेक्स में वो भी गंदा हो जाता है. तो इसलिए हमें ऐसे कोई भी रीजन यानी ऐसे कोई भी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जिससे पानी खराब हो, और हमें पानी को स्टोर करके और जितनी उसकी जरूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए, और उसके अंदर रिवर को खराब नहीं करना चाहिए कोई भी ऐसे रीजन्स के थ्रू, उसके अंदर कोई भी डर्ट नहीं मिक्स करनी चाहिए.
और हमें वो हमारे के लिए हार्मफुल होता है। जो हम डर्ट उसमें मिक्स करते हैं तो वो ही पानी हम फिर से पीते हैं तो वो हमारे लिए ही हानिकारक होता है। इसलिए हमें पानी को क्लीन करके रखना चाहिए। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक ग्लास लेने हैं और उसके अंदर आपको ग्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो यहाँ पे दिया हुआ लेमन जूस, सोप, वाटर, शरबत, ये सारे मिक्स करने और देखना है। जो यहाँ पे पीछे एक पेज नंबर 106 पे टेबल दिया है जिसमें जो थिंग्स दी हुई है वो आपको लेनी है और एक पानी का ग्लास लेना है और इसके अंदर देखना है, उसके अंदर मिक्स करना है। और अगर वो मिक्स हो जाए तो यहाँ पे टिक करना है, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं तो ये राइट करना है। और मिक्स नहीं होते हैं तो जैसे कि यहाँ पे फ्लोर होता है तो फ्लोर मिक्स नहीं होता है तो यहाँ पे टिक करना है। जो भी मिक्स हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं तो यहाँ पे टिक करना है और डिसोल्व नहीं होते तो यहाँ पे। और उसका कलर चेंज होता है मिक्स होने के बाद, नहीं होता है तो यहाँ पे टिक करना है और हो जाता है तो यहाँ पे टिक करना है। ये आपको फिलअप करना है। ओके, हियर आवर टेक्स्ट बुक चैप्टर 13 कम्प्लीट। नैन इस क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, हियर आवर टूडेज पोर्शन कम्प्लीट। Then next video we will continue our 13th chapter in workbook. Thank you.